स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो बुक है दासपाल, उसके बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो बुक है ये वॉल्यूम 4 बुक है। एक्चुअली ये 4 सेमेस्टर में आता है, तो इससे पहले मैं वॉल्यूम 3 का भी रिव्यू किया है, आप देख सकते हो उस वीडियो का भी। तो ये जो दासपाल का बुक है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अभी सिलेबस के हिसाब से ये बुक को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, अब लेटेस्ट बुक खरीद सकते हो, मगर ये जो बुक है ये एब्रीविएट करके ये थोड़ा पतला बुक है। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट इसको रिप्रेजेंट किया गया है, एंड इसका थ्योरी को बहुत सिंपली समझा गया है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो जैसे नॉर्मली RLS ग्रेवल होता है या HK10, बहुत सारा जो नॉर्मल बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसको छोड़ के भी ये बुक अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट में, क्योंकि इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेट के लिए, या सेमेस्टर एग्ज़ाम या आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये बुक आप देख सकते हो। तो नॉर्मली इसका जो मेरा बहुत थोड़ा पुराना बुक है, तो इसका जो प्राइस था तब 220 था, तो अभी इसका प्राइस थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसका देखते हैं कि इसका कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका जो कंटेंट है ये वॉल्यूम 4 है, तो इसका कंटेंट में आप देख सकते हो सेट थ्योरी है, ग्रुप, तो फिर सब ग्रुप, फिर होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, फिर आपका रिंग एंड फील्ड, कोसेट एंड लैटिस, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, फिर रिकर्सन, फिर ग्राफ डायग्राफ, ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है, फिर सर्चिंग है चैप्टर 11 में, फिर ट्रीज एंड फंडामेंटल सर्किट है चैप्टर 11 में, फिर कर्सेट एंड कर्ड वर्टिसेस है चैप्टर 12 में, फिर प्लेनर है चैप्टर 13 में, फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है 14 में, एंड 15 में है क्या है नेटवर्क फ्लो, ये सब दिया हुआ है। तो आपको जिस सेमेस्टर में नॉर्मली ग्राफ थ्योरी पढ़ाया जाता है, तो उस सेमेस्टर में ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमटेक का स्टूडेंट को भी कभी कभी ये बुक काम में आता है, नहीं तो डिप्लोमा बीटेक में ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये बुक का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, जैसे इसका जो थ्योरी है ये बहुत अच्छे से समझा गया है, उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया गया है। एंड ये बुक आप पढ़ने से आपको जो सर्किट थ्योरी, फिर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सब्जेक्ट में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए ये बुक को फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो ये बुक स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इज हेल्पफुल, देन यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच।